चार पिलर होते हैं फाउंडेशन के, जज के गाड़ी के चार पहिए होते हैं, उसमें से एक पहिए का काम उन्होंने हमेशा किया। और मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की, जो यहां पर जितनी भी आज टीम लखन सिंगला के जो साथी यहां पर आए हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप लोग एक आवाज पे ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर भी आज भी आप इतना मान सम्मान प्यार जो सिंगला परिवार को देने का काम करते हैं, उसके लिए हम आपके हमेशा कर्जदार हैं। जो भी कार्यक्रम सफल होते आए हैं, वो हर कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से, आपकी क्षमता से, आपकी मेहनत से, आपके आने से होता है। अगर हम दो व्यक्ति में, मेरे पिताजी भाई रोहित सिंगला जी, हम तीन अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम जो भी हैं आप लोगों की वजह से हैं। आप लोग आके हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, आप लोग एकत्रित होते हैं एक आवाज में, आप लोग हमारी बात का मान सम्मान रखते हैं। और विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी भारी मदद करी, उसको मैं और मेरे पिताजी या कांग्रेस पार्टी कभी भी जीवन में नहीं भूल सकती। कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं सोचा था कि शहरी हलके के अंदर, जो कि एक फरीदाबाद बॉर्डर से लगता हुआ हलका है, दिल्ली से लगता हुआ हलका है, शहरी क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी को 45,000 वोट मिलने का काम होगा। ये आपके लिए अपने लिए तालियां बजाएं, आप लोगों का धन्यवाद है। और ये जितने यहां चेहरे बैठे हैं, इन सभी चेहरों ने उन 15 दिनों के अंदर बड़ी बड़ी जनसभाएं करके, चाहे वो रामनगर हो, पटेल नगर हो, कृष्णा कॉलोनी हो, एसी नगर हो, संत नगर हो, अंजरौदी हो, अंजरौदा हो, सरपंच कॉलोनी हो, बसेलवा हो, भूड कॉलोनी हो, भारत कॉलोनी हो, न्यू भारत कॉलोनी हो, सेक्टर हो, प्रेम नगर हो, केएमसी हो, उड़ेना हो, सीई हो, अंजरौदा हो, दौलताबाद हो, सेक्टर 19 से लेकर सेक्टर 4 तक हो, हनुमान नगर हो, इंदिरा कॉम्प्लेक्स, पदम नगर, जितनी भी कॉलोनियां हैं, उन लोगों ने एसी नगर से लेकर, इंदिरा कॉलोनी से लेकर, टूल मार्केट से लेकर, इन युवाओं ने, इन बुजुर्गों ने, इन महिलाओं ने इतना प्यार दिया। और चढ़ के कुछ ने कांग्रेस पार्टी के नाम पे दिया, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, कुछ ने कांग्रेस पार्टी के नाम पे साथ दिया, तो 80% ने पिताजी के नाम पे, लखन सिंगला जी के और उनके व्यवहार पे आप लोगों ने साथ दिया, उसके लिए हम आपके कर्जदार हैं। मैं बार बार कहता हूं, जब भी कोई छोटी सी मीटिंग हम बुलाते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, तो आप लोग जितनी मजबूती से अपना प्यार और आशीर्वाद देते हो, हम उसके लिए हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। हम भी आपको एक बात बता दें, आज लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं तो भी, जीतते हैं तो भी, जनता के बीच में जाना बंद कर देते हैं। 2019 में चुनाव हुए, आज 2022 है, पौने तीन साल के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जब हम आप लोगों से जुड़े ना रहे हो। हर आदमी के संपर्क में, चाहे कोई भी कॉलोनी हो, हर आदमी के दुख में सुख में जैसे आप बुलाते हैं, परिवार से कोई ना कोई वहां पहुंचने की पूरी कोशिश करता है। जितने भी कार्यक्रम हो, चाहे वो शादी ब्याह के हो, चाहे वो जागरण के हो, चाहे वो किसी के देहांत का हो, हमेशा आपके बीच में पहुंचने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक बात आप सभी लोग जो हमारे साथी हो, आप अपने जहन से निकालें कि हमारी सरकार नहीं है। मैं मानता हूं आज हमारी सरकार नहीं है, लेकिन जो पिताजी का व्यवहार है, लखन सिंगला जी का, अफसरों से काम कराने का जो तरीका है, जो उनके संबंध है लोगों से, अधिकारियों से, और जो विपक्ष में मर्दबी से, दिलेरी से जो बात करी जानी चाहिए, जो उनका व्यवहार है, उसके रहते आज हम अपने लोगों की 80% कोशिश कर रहे हैं कि हम उनका कोई काम ना तो रुकने दें, ना उनको कोई आँच आने दें। तो अगर किसी भी साथी के साथ कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, सुख हो, कोई थाने तहसील का मामला हो, कोई विवाद हो, तो हमें जहां तक बुलाया जाता है, तो हर चीज में थाने तहसील तक भी आदमी के साथ खड़े रहने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में
जो मैं बता दूं मंच पे बैठे हुए लोगों को, वो हमारे फरीदाबाद हल्के के अंदर इस समय सुलभ मस्ती का मुद्दा है। हमारे हल्के के अंदर पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर अगर सबसे ज्यादा सुलभ मस्ती किसी के हल्के में है तो श्री लखन सिंह लाली के हल्के में फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में। मैं स्वागत करूंगा रेणु चौहान जी का, वो मंच पे आए, हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता है। तो सुलभ मस्ती की बात मैं कर रहा था आपसे, कच्ची कॉलोनियों की बात कर रहा था। सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में अगर कोई है तो वह मुद्दा सिर्फ और सिर्फ स्लम बस्तियों का है। वो कैसे, जब हल्के की गिनती चल रही थी, जब विधानसभा की वोट पड़ चुकी थी और उसके कुछ दिन के बाद डीएवी स्कूल में जब गिनती थी, तो जो बीजेपी के लोग गिनती में बैठे हुए थे वो इस बात को महसूस कर रहे थे कि जितना भी स्लम बस्ती और सलोनी का एरिया है उससे 80% वोट लखन कुमार सिंगला जी को दिया, कांग्रेस पार्टी को दिया। उसी को देखते हुए जिस दिन से चुनाव हुए बीजेपी ने एक मुहिम चलाई हुई है, संत नगर से लेकर इंदिरा नगर तक, इंदिरा नगर से लेकर पटेल नगर तक, प्रेम नगर तक, और प्रेम नगर से लेकर किसान मजदूर कॉलोनी बाईपास रोड से होते हुए ये जो चारों तरफ स्लम बस्ती फंसी है इनको उजाड़ने का और तोड़ने का काम कर रहे हैं। चाहे रेलवे के बहाने से कर रहे हैं, चाहे हुड्डा के बहाने से कर रहे हैं, चाहे नगर निगम के बहाने से कर रहे हैं, इन कॉलोनियों को, इन बस्तियों को तोड़ने का काम दिन बाय दिन किया जा रहा है। और एक और काम कर रहे हैं, इधर से बस्ती को तोड़ते हैं, उधर से उसकी वोट लिस्ट में से काट देते हैं। पहले संत नगर को तोड़ा, उसके बाद में इंदिरा अंजौदी और सरपंच कॉलोनी को तोड़ा। ये लाला शर्मा जी थे, इन्होंने बुलाया वहां पे हुड्डा ने तोड़फोड़ करी। जब संत नगर में कहते हैं कि मंदिर मस्जिदों की सरकार में ज्यादा बात होती है, मेरी आंखों के सामने संत नगर के अंदर विपुल मोटर्स के पीछे दो हनुमान जी के मंदिर तोड़े, मंदिर के पुजारियों के सामने हनुमान जी की मूर्ति को जेसीबी से टो करके ऐसे उठा के ले गए। ये इनकी सरकार है जो धर्म के नाम पे बांटने का काम लोगों को करती है। उसके बाद में थोड़ा सा आगे चलते हैं, कृष्णा कॉलोनी सेक्टर 20 भी बार बार उसको कभी रेलवे के नाम से तोड़ देते हैं, कभी हुड्डा के नाम से नया नया नक्शा निकाल लेते हैं। तोड़ फोड़ 2014 से पहले जो ये कॉलोनियां बस रही थी, क्या 1966 में हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से, उस दिन से आज तक की जो भी सरकार रही, चाहे चौटाला साहब की रही, चाहे कांग्रेस की रही, चाहे जिसकी भी रही, क्या छवियां अवैध नहीं थी? जबकि मुख्यमंत्रियों को नहीं दिखी है, खाली मनोहर लाल खट्टर जी को, उनके यहां के स्थानीय विधायकों को, स्थानीय नेताओं को ये कॉलोनी और ये स्लम बस्ती नींद में दिखाई देती है। कृष्णा कॉलोनी को तोड़ा इन्होंने, कभी 100 फुट अंदर घुस जाते हैं, कभी 150 फुट अंदर घुस जाते हैं, कभी मेट्रो के नाम से तोड़ देते हैं, कभी किसी के नाम से तोड़ देते हैं। उसके बाद में अब दोबारा से अब रेलवे को भेज दिया, अब रेलवे अपना चाबुक चला रही है संत नगर से लेकर इंदिरा नगर तक। इंदिरा नगर में खुशबू खान जी बैठी है, इन्होंने महिला होकर रेलवे के अधिकारियों का गिरेबान पकड़ने का काम कर लिया। उस दिन अगर हम ना रोके पिताजी और हम, तो वहां विवाद पैदा हो जाए। ऐसे लोगों की जरूरत है। आप देखिए इंदिरा नगर के अंदर पता नहीं कितने मकान तोड़ दिए। आप मकान तोड़ रहे हो, कम से कम इन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था की जाए, इनको शिफ्ट करने की व्यवस्था की जाए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी जो सेक्टर 56 के अंदर और सेक्टर 62 के अंदर आशियाना बनाया गया, उस आशियाने के अंदर इन लोगों पे एक पत्थर की रिपेयरिंग तकनीक करी गई। उस आशियाने को 2014 से और आज तक उस आशियाने को पूरा भरा भी नहीं गया इनसे। और अब जो किसान मजदूर कॉलोनी और प्रेम नगर की छुट्टियां जब टूटी, सरकार 2014 में आई और 2016 के अंदर सारी किसान मजदूर कॉलोनी को प्रेम नगर की छुट्टियों को एक तरफ से तोड़ दिया। सत्र आपने देखा हो, आपने तोड़ा
तोड़ने के साथ साथ उसी आशियाने में पहुंचाया सेक्टर 56 में जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने वो आशियाना उनके लिए बनाया था जो बीपीएल परिवार के थे, उनके लिए नहीं बनाया था कि आप मकान तोड़ो और इन लोगों को यहां से भगा दो। जो प्रवासी है यूपी से, बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मुंबई, राजस्थान से लोग यहां के रह रहे हैं, उनकी कोई गलती थोड़ी ना है। अलीगढ़ से लोग यहां के रह रहे हैं, उनकी क्या गलती है? बार बार इन सब बस्तियों को तोड़ा जाता है, मकानों को तोड़ा जाता है। आप जितने लोग यहां बैठे हैं मुझे ईमानदारी से बता दें कि 2014 से और अब तक जितनी तोड़फोड़ स्लम बस्तियों में की जा रही है क्या उससे पहले कभी हुई थी? इंदिरा कॉलोनी का नाम क्यों पड़ा इंदिरा गांधी के नाम से? क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार ने इंदिरा कॉलोनी को बसाने का काम करा। एसी नगर का नाम एसी नगर क्यों पड़ा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एसी चौधरी जी ने एसी नगर को बसाने का काम करा। संत नगर अंजरौदी सरपंच कॉलोनी अंजरौदा गांव के लोगों की धरती थी, अंजरौदा गांव के किसानों की धरती थी जिसके ऊपर आज तक लोग रह रहे हैं। भाई जी एक सेकेंड, भैया सोनी साहब, डॉक्टर साहब एक सेकेंड, जितनी सुरेंद्र भी एक सेकेंड, जितने भी कॉलोनी बसनी है किसान मजदूर कॉलोनी किसने नाम रखा? कांग्रेस पार्टी ने नाम रखा। प्रेम नगर की झुग्गियां किसने बसाई? कांग्रेस पार्टी ने बसाई। ये पटेल नगर किसने बसाया? सरदार पटेल के नाम पे कांग्रेस पार्टी के समय में ये पटेल नगर बसा। जो मजदूर वर्ग, जो गरीब वर्ग अपना मकान दुकान आप लोग बनवाते हो, जब मजदूर ही नहीं होंगे या कॉलोनी नहीं होंगी तो ये मकान दुकान कैसे बनेंगे? यूपी थोड़ी ना जाएंगे लेने के लिए, बिहार थोड़ी ना जाएंगे लेने के लिए। इस सरकार ने स्लम बस्ती और कॉलोनियों को तोड़ने का और उजाड़ने का काम करा। और कांग्रेस पार्टी पिछले 50 वर्षों में हरियाणा के अंदर हमारी कोशिश रही कि हम एक मकान आपका टूटने ना दे, उजड़ने ना दे, बल्कि इन्हीं कॉलोनियों के अंदर मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का काम, इंटरलॉकिंग टाइल, पानी की व्यवस्था, सोडियम लाइटें, बिजली की व्यवस्था करी तो कांग्रेस पार्टी ने करी। आज क्या हो रहा है? इधर से मकान तोड़ रहे हैं और उधर से बिजली के कनेक्शन काट रहे हैं। ये पत्रकार साथी हैं राकेश जी, ये भी संतनगर से आते हैं, इन्होंने ये खुद भी वहीं रहते हैं, जब भी मकान टूटता है इनका फोन आ जाता है। भाई साहब को अपने मकान में रहने का है, उतना ही अधिकार इन स्लम के लोगों को अपने अपने मकान में रहने का। अगर आप किसी को बसा नहीं सकते, मैं भारतीय जनता पार्टी से कह रहा हूं, अगर आप किसी को बसा नहीं सकते तो उसे उजाड़ने का काम भी मत करो। अगर आप दो मकान बना नहीं सकते तो दो मकान तोड़ने का काम भी मत करो। आए दिन मुझे और पिताजी को सिर्फ और सिर्फ इन कॉलोनियों से फोन आते हैं। अब हम भी थक गए कि भाई चाबुक एक तरफ से चल रहा है तो करें तो क्या करें। कभी कोर्ट में जाते हैं, हमने 2.5 साल किसान मजदूर कॉलोनी और प्रेमनगर का स्टे करवा के रखा और केस लड़ा हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन अंत में इन्होंने हाई कोर्ट की भी उल्लंघना करते हुए उसको एक तरफ से तोड़ दिया, 10-20 मकान छोड़े से। आज क्या हो रहा है? आज ये तुलसी प्रधान जी बैठे हैं, गुड्डू भाई बैठे हैं, खुशबू खान जी बैठी हैं, रवि बैठा है, ये लोग कॉलोनी के लोग इकट्ठे होके इनके यहां जब तोड़ फोड़ होती है बार बार ये लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अभी पीछे प्रधान जी और कृष्ण कॉलोनी रामनगर ये लोग सब मिलके हाई कोर्ट गए, इन्होंने हमसे कहा, हमने कहा जो हमारी ड्यूटी आप लगाओगे वकील से लेके ऊपर तक हम आपके साथ हैं, मौके पे गिरफ्तारी लेंगे हम उसमें आपके साथ हैं। लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी है कि ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के घरों को, उसके बसाए हुए मकानों को और उसके द्वारा बनाई हुई वोटों को उजाड़ने में लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, 7 साल कट चुके हैं, 2014 में कांग्रेस के 15 विधायक थे, सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता थे। 2019 में हमारे 31 विधायक आए, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पूरी तरीके से कमान नहीं मिल पाई थी, सिर्फ 1 महीने के अंदर हुड्डा साहब ने ऐसा जादू करके दिखाया कि 15 से 31 विधायक आ गए हरियाणा के अंदर। और आज
मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं। फरीदाबाद, पलवल, मेवात, गुड़गांव, रेवाड़ी, ये दो लोकसभा क्षेत्र और ये 5-6 जिले हैं जिसकी वजह से आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाई। फरीदाबाद में 6 सीट है, पलवल में 3 सीट है, गुड़गांव में 9 सीट है, मेवात में 3 सीट है। अगर ये सीटें हम जीत जाते, सिर्फ कितनी जरूरत थी, फरीदाबाद में 6 में से हम 1 विधायक बना पाए, पलवल में हमारे 3 नहीं जीत पाए, तो ये 9 सीटों में से भी अगर आप लोग जोर लगा के 5 या 6 को जिता देते तो वो 5-6 बीजेपी के 40 थे वो कम हो जाते, वो 5-6 कांग्रेस में बढ़ जाते, सरकार बन जाती। तो मेरी तो हाथ जोड़ के सभी से विनती है कि यहां यूथ बैठा है, मैं 2 मिनट और लूंगा लेकिन, यहां यूथ बैठा है, इस यूथ ने बहुत मदद करी है हमारी इस चुनाव के अंदर भी, और अभी यूथ कांग्रेस का चुनाव हुआ उसके अंदर भारी वोटों से मुझे जिला अध्यक्ष बना के भेजा कांग्रेस पार्टी का, यूथ कांग्रेस का, मैं हाथ जोड़ के आप सभी का धन्यवाद करता हूं। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक अग्रवाल परिवार से, सेठों के परिवार से कोई आदमी राजनीति में इतना आगे बढ़ जाएगा कि वो खुद भी 2 बार एमएलए का चुनाव लड़ जाए, भतीजे को भी पार्षद बना ले, खुद भी बन जाए, बेटे को जिलाध्यक्ष बना दे। ये सारी ताकत आप लोगों की दी हुई है और मैं हाजी इरफान जी का स्वागत करूंगा कि वो मंच में आए। हमारे मनोटी समाज के, मुस्लिम समाज के बड़ा चेहरा है जिला कांग्रेस के, वो मंच पे जरूर आए। और मैं आपको बताऊं एक बात और सबसे बड़ी, पिताजी के बारे में आपको लगेगा कि अपने पिताजी के बारे में बोल रहे हैं लेकिन पिता से अलग रख के वो नेता है। सबसे बड़ी खासियत की बात यह है कि 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने का जो नियत है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी है, और उससे बड़ी बात जो इनकी सोच है वो आज भी, चाहे हमने चुनाव में उसका नुकसान झेला, आज भी इनकी जो सोच है वो कलोनी स्लम बस्तियों के ऊपर ही है और गरीब आदमी के ऊपर। 90% लोग ये कहते हैं कि लखन कुमार सिंगला तो कलोनी और स्लम बस्तियों का नेता है। सेक्टर के लोग कई बार हमसे गुरेज करते हैं इन बातों को लेकर, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही है कि हम अपनी तरफ से सबको साथ लेके चलें। इस विधानसभा के चुनाव में जितनी मदद आप लोगों ने करी उसके लिए हम धन्यवादी हैं। और मैं अपनी यूथ की तरफ से एक रिक्वेस्ट करूंगा, भाई बिट्टू बैठे हैं, रवि बैठे हैं, सुमित खंडेलवाल हैं, कि सारे साथी मिलके 2-2, 4-4 गाड़ी लिख के यूथ कांग्रेस के बैनर के अंदर मेरे साथ उस रैली में मेरी गिनती करवाएं। पिताजी के साथ तो सारी टीम बैठी है बड़ों की, बस और गाड़ियों की, तो यूथ कांग्रेस के जो साथी हैं 50 गाड़ी का टारगेट हम अनिल शर्मा जी लेके चलेंगे जो यूथ कांग्रेस भरेगी। उसमें मैं अपनी यूथ कांग्रेस की जितनी भी टीम है उसको आप लोगों की टीम से अलग रखे हम 50 गाड़ियां भर के आपको देंगे उस दिन के प्रोग्राम में। भैया दोनों के दोनों सारे मिलके अब मैं आग्रह करूंगा करमवीर खटाना जी हमारे